दोस्तों यूपीएमआईएम ने उठाया बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान के लिए सुरक्षा की मांग एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान को धमकी देने वाला आखिर कौन दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर एम आई एम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान के फेसबुक अकाउंट हैंक होने के बाद अब उसे धमकी की खबर सुनकर उत्तर प्रदेश के के नेता मनमोहन गामा ने बिहार सरकार सहित डीजीपी से एम आई एम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब के लिए सुरक्षा की मांग की है और हमारे नेता को धमकी देने का काम जो जिस प्रकार से अमर यादव ने किया है और अब तक बिहार पुलिस के द्वारा उस कथित अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाना सख और संशय की ओर सोचने पर मजबूर करता है तो मैं पंडित मनमोहन झगामा बिहार सरकार को भी चेतावनी देता हूं कि वो हमारे नेते, नेता को हल्का ले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करे क्या है अमर यादव जो अब तक गिरफ्तार नहीं हो पा रहा उसकी इतनी हिम्मत कि वर्तमान विधायक चार बार का विधायक और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है वो हमारे ऑल इंडिया मजदूर सईद मुस्लिमीन के उनको जान से मारने की वो धमकी देगा और शिकायत हो गया उसके बावजूद डीजीपी महोदय अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है या तो उसके ऊपर सत्ता का संरक्षण है और सत्ता का संरक्षण है तो इसका मतलब यह नहीं कि संविधान खत्म हो गया संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता कि अपराधियों को संरक्षण दिया जाए और डीजीपी महोदय किशनगंज के एसएसपी महोदय आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप सरकार के दबाव में काम न करके न्याय न्याय हो ऐसा काम आप करने का काम करेंगे और उस अपराधी को गिरफ्तार करने का काम करेंगे और डीजीपी महोदय आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे नेता बिहार प्रदेश के अध्यक्ष इमाम साहब को बृहद सुरक्षा प्रदान करने का काम करें क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर में हत्याएं आम हो गई है जब चाहे जहां चाहे अपराधी गोली चलाने में मस्त है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल को कार्रवाई क्या होगी और होता भी कुछ नहीं और यह बानगी है हर जगह बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जिस जिले में अपराधियों का मनोबल आज बुलंद नहीं है तो मैं बिहार सरकार से डीजीपी महोदय से अनुरोध पूर्वक मांग करता हूं संविधान के दायरे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेता को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें आप गलती से भी अगर किसी ने हमारे नेता की तरफ गलत तरीके से कोई हमला कोई अपराध उनके खिलाफ करने का काम किया तो पूरा बिहार बिहार का हर गरीब बिहार का हर नौजवान बिहार का हर दलित बिहार का हर अल्पसंख्यक सड़कों पे होगा और इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं वो बिहार सरकार की होगी इसकी जिम्मेदारी बिहार पुलिस की होगी तो मैं पुनः बिहार पुलिस से मांग करता हूं कि आप इसे हल्के में ना लें शिकायत किशनगंज एसएसपी महोदय को दे दिया गया है उस अपराधी अमर यादव को तत्काल गिरफ्तार करने का काम करें और बिहार में अराजकता का जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है बार बार उस पर अंकुश लगाए आप बिहार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है उसको उस पर अंकुश लगाने का काम करें अपराधियों के मनोबल बढ़ने नहीं चाहिए उसके मनोबल को तोड़ना होगा जब तक अपराधी का मनोबल नहीं टूटेगा बिहार का उदय नहीं हो सकता बिहार में कल कारखाने नहीं